सैफई में बने मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सीनियर छात्रों ने दबंगई दिखाते हुए MBBS में दाखिला लेने वाले करीब 150 छात्रों का सिर मुंडवा दिया। इतना ही नहीं, सीनियर ने इन जूनियर छात्रों को कॉलेज के कैंपस सिर झुकाकर चलने के आदेश दिए। सिर मुंडवाए हुए छात्रों का कैंपस में सिर झुकाकर चलते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जो कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की पुष्टि कर रहा है। हालांकि दूसरी ओर वाइस चांसलर ने कॉलेज में किसी भी प्रकार की रैगिंग से इनकार किया। उन्होंने रैगिंग को संस्कार बताते हुए कहा कि रैगिंग हमारे समय में होती थी, सीनियर्स पहले रैगिंग करते थे फिर सहयोग भी करते थे। वाइस चांसलर ने साथ ही कहा कि अगर किसी छात्र को कोई परेशानी है तो उसे एंटी रैगिंग कमेटी से शिकायत करनी चाहिए। रैगिंग कम फिर करने वालों को भी नहीं आता है मैनर सिखाना। इसका तरीका ये होता है, इसको मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूँ, माननीय मतलब जिस तक भी ये मैसेज जाए। एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि बच्चे को आप छुएं ना, बिल्कुल छुएं भी ना और फिजिकल टॉर्चर भी ना करें। मानसिक तौर पे उसमें ऐसे संस्कार डाल दें, और चाहे उसमें थोड़ा बहुत दिमाग का दबाव पड़ भी जाए, लेकिन उसके साथ प्यार भी शामिल होता है। आपको पता है जब मेरी रैगिंग खूब होती थी तो यहाँ तो 10% भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लोग। मैं 80 का MBBS इंट्रेंस हूँ, हम लोग दीवार से कूद जाते थे। एक रेस्पेक्ट था, और वही सीनियर ले जाके हमको समोसा और चाय भी पिलाते थे और प्यार भी करते थे, और फिर वही पढ़ने का तरीका बताते थे, वही आगे चल के हमको ट्रेनिंग सिखाते थे मेडिकल की। तो वो कल्चर तो मेडिकल से ख़त्म हो गया है, और उसमें अकेले में एज ए VC ट्राई करूँगा तो हो भी नहीं पाएगा, और वो बैलेंस लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी जब सब चीज़ें प्रोफेशनल हो गई हैं, तो ये चीज़ें एक भी कैंपस में हमें आपके माध्यम से पता चल रहा है, मैं आज ही इस पे स्ट्रांग एक्सेप्शनल एक्टिविटी शुरू करता हूँ। अगर मुझे इस तरह की कहीं भी कोई शिकायत मिली, पहले भी हम सस्पेंड कर चुके हैं, बच्चों को भी सस्पेंड कर चुके हैं, और अगर कहीं भी डिसिप्लिन जरा से भी ब्रेक होता है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। और वो बच्चे जो नए आए हैं उनको भी आपके माध्यम से मैं अश्योर करता हूँ, अगर वो सुन रहे हों, कि वो बिना डरे जो एंटी रैगिंग कमेटी है, किसी को न बताएं तो अपने वार्डन के ही नॉलेज में ला दें। और वैसे आपने हमें बताया है तो मैं इसमें खुद भी नज़र रखूँगा। फिलहाल वाइस चांसलर किसी भी रैगिंग से इनकार कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर कुछ हद तक सच्चाई बयां कर रही है। वैसे ही कॉलेज में रैगिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है, जब इस तरह छात्रों को सिर मुंडवा कर घुमाया गया है। पंजाब केसरी TV के लिटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।